का महीना है और यहाँ पे चल रही है बारिश, आज विंडस डे है, लेकिन मम्मा नहीं जा पा रही। बॉबी ब्राउन का क्रश्ड क्रीमी कलर है फॉर चीक्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड हैप्पी सैटरडे। भाई की आज छुट्टी है और आज थोड़े से मजे करेंगे क्योंकि हमारी छुट्टी है, तो भाई देर तक जा सकते हैं, मजे कर सकते हैं, कोई काम नहीं है। दो दिन छुट्टी आराम। तो वैसे तो मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग, बट हो गई है गुड आफ्टरनून। और मैंने निकाली हुई थी ये मेजरिंग टेप, तो इससे मैं क्या कर रही थी भाई, ये मेरे को ना अमेजोन पे एक पसंद आया था टेबल, मैं उसका साइज़ मेजर कर रही थी, लेकिन फिर वो मैंने लगा के देखा तो अच्छा तो लग रहा था, बट वो हाइट में कम था, बस जस्ट 27 इंचेस था, और 27 इंचेस आएगा जस्ट यहाँ तक ये वाली जगह तक। तो अगर सपोज सिर्फ यहाँ तक आएगा 27 इंचेस, तो उसकी ड्रॉज कितनी ही बड़ी होंगी, और उसकी टेबल मैं यहाँ पर पिक्चर शो कर दूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पसंद किया था। तो उसकी टेबल अच्छी लग रही है देखने वेखने में, सब कुछ है, पर वो ऊपर का जब आप देखोगे तो ऊपर का जो रखने वाला स्लैब है वो ज़्यादा बड़ा है, कंपेरेटिवली जो ड्रॉज है वो इतनी ज़्यादा मतलब गहरी और सामान रखने वाली नहीं लग रही मुझे। ऑनलाइन सामान में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप लोगे तो फिर कैसा आएगा, आपके पसंद का आएगा नहीं आएगा, और जो बेसिक आपको अपने सामान रखने के लिए चाहिए तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है अभी, देखेंगे जाकर। कोई बात नहीं बेटा, आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, इट्स ओके, वी आर डूइंग समथिंग टू गेट हेयर। और अभी चलो नहाने चलते हैं, फिर नहाने के बाद मिलेंगे क्योंकि नहाए भी नहीं अपन। तो मैं नहा ली थी और अपन हो गए हैं तैयार, तो ऐसे ही घर के कपड़े पहने हुए हैं नॉर्मल से, तब भी बहुत ही बढ़िया लग रही हूँ मैं। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये मुझे मेरी आंटी ने दिया था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वॉल हैंगिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड एक्चुअली, बट इसको कुछ कहते तो हैं पर मुझे याद नहीं कि क्या कहते हैं, बट इसको भी मुझे अपने रूम में लगाना है। तो आई एम प्लानिंग टू have this on this wall, ये वाली वॉल पे लगाएंगे, तो हाँ ये वाली वॉल पे लगाएंगे, अभी तो मैंने वहाँ पे कर दिया था क्योंकि बहुत अच्छे से लग रहे थे वो, तो यहाँ पर लगाएंगे और उसमें लाइट भी जलती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं और क्या हो रहा है। अभी तो भूख लग गई क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, रात में भी बस मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि, तो अभी बन रही है रोटी और है दाल, ये तड़के वाली दाल है, है? और बैंगन का भरता, भाई ये तो मेरा फेवरेट है। चलो बैंगन का भरता, दाल और रोटी मिलके खाएंगे, ठीक है, साथ नहीं खा रहे? नहीं नहीं नहीं, साथ खाएंगे बेटा, फिर गरम गरम रोटी खानी चाहिए, गरम रोटी नहीं साथ ही खा लेते ना, बताओ। मैं बना रही हूँ फिर तुम खाओ, तो मेरी भी आ जाएगी। चलो ठीक है गाइस, फिर हम अपना खाना खाते हैं, आज सैटरडे है तो पापा जाएंगे मंदिर, इसकी कर देते हैं लाइट बंद, प्लीज़ अवॉइड माई टाल एंड एवरी थिंग, ऐसे मैंने अभी बस नहाया था और मैंने शूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लाइट बंद हो गई है, इसको भी रख देते हैं, हटा बारिश आने वाले, वैसे आसार तो हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं वैसे तो, देखो थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, बेचारे पौधे आजकल ज़्यादा अच्छे में नहीं है, तो टॉवल टांग दिया, चलो भाई चलते हैं अब। मम्मी इसमें चिमटी लगाऊं? ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, दैट्स इट, जो खत्म हो गया था, बट बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे मंगाने के लिए, तो चलो अनबॉक्स करते हैं। ये वाला तो गाइस मैंने
मैंने आपको बॉक्स तो खोल के दिखा दिया था, पर वो वीडियो कंटिन्यू में अब मैं बना रही हूँ। और ये था वो Huda Beauty का बेकिंग पाउडर जो मैंने मंगाया था, और ये खुलता ऐसे ही, बहुत ही क्यूट है। देखो ये ऐसे इसका लेड ओपन होता है, और यहाँ से इसे ऐसे ओपन करेंगे, एंड दिस इज़ द स्पॉन्ज। और अभी मैंने इसका ये खोला नहीं है, तो दिस इज़ द बेकिंग पाउडर। इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे इसलिए मैंने मंगाया था। अब मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था उस टाइम पे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट वो मैंने मंगाया था वो था बॉबी ब्राउन का, और वो मतलब यूज्ड प्रोडक्ट आया था मेरे पास नायका से। जब फिर मैंने उनको कस्टमर केयर पे चैट कर उनसे नया प्रोडक्ट मंगाया, और अब मेरे पास नया प्रोडक्ट है एंड दिस इज सील पैक। तो अभी इसे खोलते हैं, चलो देखो। आई होप अब ये सही हो। वो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट था, और हाँ अभी ठीक आया। तो ऐसी पैकेजिंग में नहीं आया था वो, एकदम खुली वाली पैकेजिंग में आया था। मैंने जैसे ही देखा ना, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मैं सब भूल गई, क्योंकि काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है ये, और ये काफ़ी छोटा ही होता है। बॉबी ब्राउन का क्रश्ड क्रीमी कलर है फॉर चीक्स एंड लिप्स, एंड यार अभी भी मुझे ये ऐसा ही लग रहा है। पिंक पंच है इसका नाम। तो नहीं लग रहा, अब ठीक लग रहा है। देखो यहाँ पर ये नहीं, क्यों साइड्स में ऐसे नहीं, ठीक है अभी। सो दिस इज़ द कलर, और दिस इज़ फॉर लिप्स, लिप लिप्स बोल रही हूँ, दिस इज़ फॉर लिप्स एंड चीक्स एंड यस। तो ये काफ़ी छोटू सा है वैसे तो, बट अब क्या कर सकते हैं, इट्स बॉबी ब्राउन। तो मैंने ये दो प्रोडक्ट्स मंगाए थे जिस नायका से, जो मेरे पास ऑर्डर आया था, और मेरा मूड इतना अपसेट हो गया था कि मैंने वीडियो बनाई ही नहीं थी आगे। तो सैटरडे से हो गया वेडनेसडे, और अब मैं बना रही हूँ कंटिन्यूटी में ये वाला व्लॉग। और इससे पहले तो आप बंजारा मार्केट के पता नहीं 3 व्लॉग्स ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ही लंबा वीडियो था। मई का महीना है और यहाँ पे चल रही है बारिश, आज वेडनेसडे है लेकिन मम्मा नहीं जा पा रही है बाहर। तो मैं तो बैठी हूँ बाहर, और मैं बहुत मज़े ले रही हूँ बारिश के इस मौसम के, और मैं अपना मूड नहीं ख़राब कर रही, जबकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था, मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, पता नहीं बहुत सारा बर्डन आया हुआ है इस टाइम पे मेरे कंधों पे। बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा अपसेट नहीं हो रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं आगे भी। बंजारा मार्केट से रिलेटेड होने वाला है, और शॉपिंग से भी रिलेटेड होने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होने वाले हैं। अभी मैं क्या बताऊँ, जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना वो भी बंजारा मार्केट का ही सामान है। तो यस, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी यार वहाँ जाके। आप लोग को जाना चाहिए वहाँ पे, एक्सप्लोर करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट एक बार तो। और हाँ, आगे वीडियोस में आप देखोगे कि मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आप वो यूज़ कर सकते हो व्हाइल यू आर शॉपिंग इन बंजारा। एंड यस, व्हाट एल्स, अभी तो अपन मैं सोच रही हूँ कि चलो चाय पियेंगे यहाँ पे बाहर बैठ के। और हाँ, बस यही है, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, ताकि अगली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल।